हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज का हमारा सेशन है एप्लीकेशन एंड पोर्टल्स पे बेस्ड, एप्लीकेशंस एंड पोर्टल्स जो आपके लॉन्च किए गए थे इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। साथ में ही कुछ पोर्टल्स जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और रिसेंटली न्यूज़ में थे तो वो भी आज हम कवर करेंगे। और इस लेक्चर का जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ UPI ऐप Super.Money टू ऑफर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये किसने लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च बाय द फ्लिपकार्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? Super.Money, और लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट में। और इस ऐप के थ्रू जो है यहाँ पे आप पेमेंट्स कर सकते हो, क्रेडिट और डिपॉजिट कर सकते हो, और इसी के साथ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे मतलब और अदर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ही आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ में जो ये ऐप है ये अवेलेबल है इन पार्टनरशिप विद दी एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड इट ऑफर्स क्रेडिट थ्रू उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी ध्यान में रखना है। साथ में ही इसके आपके फाइनेंशियल पार्टनर्स कौन से हैं? इट इज DMI फाइनेंस एंड क्रेडिट सेशन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेब पोर्टल फॉर पैसिव फंड एट अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NSE ने इसे लॉन्च किया गया था। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज SEBI। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको जो है आपका लॉन्च किया था। ठीक है, SEBI ने यहाँ पे एक रिपोर्ट भी लॉन्च की थी ऑन अ कैपिटल मार्केट। इसका टाइटल है इंडियन कैपिटल मार्केट्स ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट्स अचीव्ड थ्रू अ टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसे डेवलप किसने किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा एनालिटिक्स ने इसे डेवलप किया। क्लियर है? नाउ NSE की बात करेंगे तो इसके चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1992। नाउ नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च द वर्जन 4.0 ऑफ अ प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तो इन्होंने जो आपका प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम की मोबाइल एप्लीकेशन थी इसका फोर्थ वर्जन लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी के साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने है इन्होंने एक्सपैंड किया है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम को, और इसमें टोटल अब जो है 38 कमोडिटीज हो गई हैं। बेसिकली पहले आपके 22 कमोडिटीज थी, अब 16 यहाँ पे कमोडिटीज ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको ऐड किया गया है? इट इज़ बाजरा, ज्वार, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, बटर, ब्रिंजल, एग, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन, रेड चिलीज, टर्मरिक पाउडर एंड बनाना। तो इन 16 कमोडिटीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ टोटल कमोडिटीज़ यहाँ पे 38 कमोडिटीज़ हो गई हैं। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट यहाँ पे किया है अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इन अ यूनियन बजट 2024-2025 मेंटेन करने के लिए स्टेबल प्राइसेस एंड इंश्योर करने के लिए अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पल्सेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर एप्लीकेशन लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़। तो अमित शाह जी ने 3 यहाँ पे क्रिमिनल लॉज के लिए 4 आपकी एप्लीकेशंस जो है लॉन्च की थी। कौन कौन सी एप्लीकेशन है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, इन चारों एप्लीकेशंस को इन्होंने लॉन्च किया था चंडीगढ़ में। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज जो है, ऐसी कोई ऐप लॉन्च नहीं की गई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ जो ये ऐप्स हैं इनको डेवलप किया गया है NIC द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली ये कौन से 3 लॉज के लिए, क्रिमिनल लॉज के लिए आपकी रिलीज की गई हैं? तो आपका पहला क्रिमिनल लॉ है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एंड लास्ट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इन तीनों क्रिमिनल लॉज के लिए आपका ये एप्स लॉन्च की गई हैं जो इफेक्ट में आ गए थे 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, अब इसी के साथ चंडीगढ़ जो है इट विल बी द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ कंट्री वेयर कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल 3 न्यू क्रिमिनल लॉज विल बी कंप्लीटेड इन अ नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो विद इन 2 मंथ्स यहाँ पे जो है ये तीनों लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे एंड ये इस टाइप का पहला आपका जगह बन गया है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया है इंडिया में जो इनको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड द फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन 2.0 दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो
इन मंथ ऑफ अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, जो वर्जन 2 है, 2.0 वर्जन है इस ऐप का, ठीक है, जिसे डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। क्लियर है, इसका मेन काम क्या है इस ऐप का, कि ये रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है, और रियल टाइम जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है फ्लड फॉरकास्ट की, ये हमें डिलीवर करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसका जो पहला वर्जन था वो कब लॉन्च किया गया था, इसे 17 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है, नेक्स्ट इज नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च द जियो पारसी स्कीम पोर्टल फॉर पारसीज टू गेट फाइनेंशियल एड ऑनलाइन थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने जियो पारसी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है, इट वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। अब जो स्कीम है जियो पारसी स्कीम, इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी पारसीज कपल को इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, और जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था हज एप्लीकेशन 2025, जिसमें आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो अगर आपको हज के लिए जाना है तो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट वाज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इनमें से आपका जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये क्या है, ये आपका एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। आंसर आपके यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो हमें डिटेल डेटा प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द फील्ड, सॉइल, वेदर, वाटर लेवल, क्रॉप कंडीशन, और इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे सॉइल मॉइस्चर पे, क्रॉप कंडीशन पे या ड्राउट मॉनिटरिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द पोर्टल दैट वॉज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट्स ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट। तो इनमें से कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो इस पोर्टल का नाम है EDHCR, ठीक है, कौन सा पोर्टल है EDHCR, क्लियर है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि जो डी वाई चंद्रचूड है ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। नाउ अब इसी के साथ साथ, इस पोर्टल के साथ साथ ही इन्होंने शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट कैफे एंड सागर एक्सप्रेस कैफे आपका जो है इनॉग्रेट किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ उपस्थिति दैट मींस अटेंडेंस पोर्टल टू एंश्योर डेली अटेंडेंस ऑफ अ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉयज अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इस पोर्टल को जो है आपका लॉन्च किया गया है बाय द झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है, झारखंड में इसे जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन ऑगस्ट द पाइन लैब्स हैज लॉन्च यूपीआई सेतु, इंडिया का पहला यूपीआई फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म। किस चीज के लिए, फॉर बिजनेस एंड डेवलपर्स इन पार्टनरशिप विद डैश बैंक। सो कौन से बैंक के साथ मिलकर पाइन लैब्स ने यूपीआई सेतु को लॉन्च किया है, तो इट इज योर प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक, ठीक है। कौन सा आपका बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक, और इन दोनों के कोलैबोरेशन से यूपीआई सेतु को लॉन्च किया गया है, फाइन। नेक्स्ट इज इन अगस्त 2024 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आपके, इन्होंने लॉन्च किया है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कन्वेंशन एट द न्यू दिल्ली दिल्ली। तो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किए हैं दो पोर्टल, कौन से दो पोर्टल हैं आपके, अमृत ज्ञान कोश और दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला आपका जो पोर्टल है इट इज अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, नाम से पता चल रहा है ज्ञान कोश, दैट मीन्स इट इज अ नॉलेज रिपोजिटरी। अब इसका मेन एम क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंसी रहती है सोर्सेस के लिए या डेटा जो हम सर्च करते हैं उसके लिए वेस्टर्न सोर्सेस पे, और इसको हमें वेस्टर्न सोर्स से हटा के जो है इंडियन सेंट्रिक जो हमारे सोर्सेज हैं उस पे लाना है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, इसका मेन एम है इंप्रूव करना टीचिंग स्किल्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, एंश्योरिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग फ्रॉम फॉर दी सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर हुए आपको। नेक्स्ट इज नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च द जियो पारसी स्कीम पोर्टल फॉर पारसीज टू गेट फाइनेंशियल एड ऑनलाइन थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड।
तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने जियो पार्सेस स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है? इट वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, अब जो स्कीम है जियो पार्सेस स्कीम, इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी पार्सीज कपल को इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, और जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था हज एप्लीकेशन 2025, जिसमें आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो अगर आपको हज के लिए जाना है तो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च अ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। तो बिल्डिंग कौन बनाता है? लेबर बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसे किसने रिलीज किया है इस पोर्टल को? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इसे लॉन्च किया गया है हेल्प करने के लिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को टू फाइनलाइज ड्राफ्ट रूल्स अंडर द 4 लेबर कोड्स एंड इम्प्रूव वेलफेयर स्कीम्स फॉर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following portals has been recently in August launched by the Ministry of Power to enhance power sector efficiency? तो इनमें से कौन सा पोर्टल है या पोर्टल्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है? ठीक है, पहला पोर्टल है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल प्रॉम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ड्रिप्स, डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। एंड नेक्स्ट आता है ऑनलाइन पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, दैट इज जल विद्युत DPR। तो ये तीनों ही पोर्टल जो है लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑल ABNCR करेक्ट। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है एंड स्टेट मिनिस्टर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट इज Which ministry recently launched the National Medical Register Portal of the National Medical Commission to boost healthcare? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने National Medical Register Portal को लॉन्च किया था of the National Medical Commission healthcare को एनहांस करने के लिए? ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड ये आपका जो है पोर्टल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो पोर्टल है ये डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, साथ में ही नोट करना है जो ये पोर्टल है ये आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा जहाँ पे इंडिया के जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो जो एलिजिबल डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो उनका ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेम द पोर्टल दैट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल to assess the safety status of a coal mines। तो इनमें से कौन सा पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसेंटली लॉन्च किया है assess करने के लिए सेफ्टी स्टेटस कोल माइंस का? ठीक है, सिंपल है, इट इज इंडियन कोल माइंस सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल। ठीक है, कौन सा आपका राइट आंसर है? इंडियन कोल माइंस सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल, जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो ये पोर्टल है ये बेसिकली शो करता है दो मॉड्यूल्स। क्या मॉड्यूल्स हैं ये? एक्सीडेंट मॉड्यूल एंड सेफ्टी ऑडिट मॉड्यूल। ठीक है, इन दोनों को ही डिजाइन किया गया है ताकि सेफ्टी मैनेजमेंट जो है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको एनहांस किया जा सके। किस चीज से? बाय इनेबलिंग नियर रियल टाइम एक्सीडेंट रिपोर्टिंग और बाय इंप्रूविंग द ऑडिटिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च अ न्यू वेब पोर्टल फॉर अ फास्टर बैंक सेटलमेंट्स अंडर द AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पहले AIF के बारे में जानेंगे। AIF क्या है? AIF आपका 2020 में लॉन्च किया गया था, PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको आपका डेवलप किया गया है फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूसेस लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ ये प्रोवाइड करेगा बेटर वैल्यू फार्मर्स को एंड प्रमोट करता है एग्रीकल्चर इनोवेशंस को। क्लियर है AIF के बारे में? नाउ अब यहाँ पे कौन सा, इनमें से कौन सी आपकी पर्सनैलिटी है जिन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया था किस चीज के लिए? फास्टर बैंक सेटलमेंट्स अंडर द AIF। तो इसे लॉन्च किया था जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब जो पोर्टल है इसे डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अलॉन्ग विद NABARD। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। नाउ दिस पोर्टल इंश्योर कि टाइमली असेसमेंट, यहाँ पे जो है टाइमली सेटलमेंट हो क्लेम्स का विद इन अ डे, एंड ये इंश्योर करेगा आपकी ट्रांसपेरेंसी और चेक करेगा करप्ट मेथड्स को।
ठीक है। अब यहाँ पे इस पोर्टल को कौन यूज करेगा? बैंक्स इसे यूज करेंगे, सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, एंड नबार्ड, ये सब इसे यूज करेंगे, फाइन। अब इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था कृषि कथा। कृषि कथा आपकी एक ब्लॉग साइट है, ठीक है, जिसमें बेसिकली फार्मर्स के एक्सपीरियंस, ठीक है, उनके वो क्या कहते हैं उनके बारे में यहाँ पे सारा डिस्प्ले किया जाएगा, साथ में इनकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली जून, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज लॉन्च टू एडवांस जियो पोर्टल्स, जिसका नाम है भुवन पंचायत वर्जन 4.0 फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड्स एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्जन 5.0 फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। दीज जियो पोर्टल्स वर डेवलप्ड बाय डैश। तो कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने जियो पोर्टल्स जो है इनको डेवलप किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। नाउ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। ओके, नेक्स्ट है, नेम द पोर्टल दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू ऑफर रियल टाइम डेटा टू प्लानर्स पॉलिसी मेकर्स रिसर्चर्स एंड अ जनरल पब्लिक। तो रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, ठीक है। इस पोर्टल का नाम क्या है? ई संख्यिकी पोर्टल, ठीक है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में संख्यिकी बोलते हैं और इस पोर्टल का नाम इसी पे बेस रखा गया है, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ जो ये पोर्टल है, इसे लॉन्च किया गया था बाय द डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जो आपके चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया था ऑन अ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसे हम 29th जून को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर है। और इस बार किसकी थीम क्या थी? यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फौना कवरिंग 104,561 स्पीशीज। तो पहली कंट्री ये बनी है इंडिया, जिसने एक चेकलिस्ट जो है रिलीज की है अपने फौना की, जिसमें 104,561 स्पीशीज जो है वो शामिल किए हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो लिस्ट थी आपकी, बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने लॉन्च किया था फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है, पहला कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑन दी फ्यूनल स्पीशीज जो रिपोर्ट की गई है इंडिया में, ठीक है। अब जो ये चेकलिस्ट थी, ये लॉन्च की गई थी 109th फाउंडेशन डे जो था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, इस इवेंट में ये चेकलिस्ट को रिलीज किया गया था। इसी के साथ इंडिया पहला कंट्री बना है जिसने इस टाइप की चेकलिस्ट जो है वो रिलीज की है, फाइन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है धृति बैनर्जी, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1916 को। ओके, नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च अ पोर्टल नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेन्स एस्पिरेंट ऑफ अ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज निर्माण पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने इसे लॉन्च किया है, जिसके मिनिस्टर आपके हैं जे किशन रेड्डी, ठीक है, इनके द्वारा ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ मिशन कर्मयोगी। ओके, अब यहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो ये पोर्टल है, इसका मेन एम क्या है कि जो यूपीएससी के आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यूपीएससी के जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है और ये बिलोंग करते हैं एससी एसटी फीमेल या थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में कंडीशन क्या लगाई है, इनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो आपकी 8 लाख होनी चाहिए, ठीक है, 8 लाख के अंडर होनी चाहिए। साथ में ही जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए ऑफ एनी ऑफ द 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पे सीआईएल के ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं 39, इनमें से किसी एक में परमानेंट रेजिडेंट ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सारी फुलफिल होती हैं तो जो कैंडिडेट है इसे 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जुलाई WHO हैज लॉन्च MEDEVIS
a global platform for information on medical devices. What does MEDEVIS stands for? तो MEDEVIS का full form आपका है Medical Device Information System. It is Medical Device Information System जिसे लॉन्च किया किसने लॉन्च किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. ठीक है, ये फीचर करेगा इन्फॉर्मेशन ऑन 2301 टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस विच ट्रीट्स अ वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशन, जैसे आपका रिप्रोडक्टिव हो गया, मेटरनल, न्यू बॉर्न, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होगी जिसमें कैंसर आ गया, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज आ गई, एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ WHO ने यहाँ पे क्या बोला है, WHO हैज क्रिएटेड अ फर्स्ट वर्ल्ड वाइड रेपोजिटरी फॉर मेडिकल डिवाइसेस जो बेसिकली रिलाई करती है ऑन इट्स एक्सपीरियंस विद अ WHO प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइस लिस्ट एंड WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट. ठीक है, EML. नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनैलिटी हु हैज लॉन्च अ स्किल इंडिया डिजिटल हब portal which is Siddh portal to ensure that beneficiaries receive complete information about all schemes. तो इनमें से कौन से person है जिन्होंने Siddh portal को launch किया है. ठीक है, जो basically क्या करेगा, ये आपको एक comprehensive जो basically जो schemes होंगे उनके बारे में comprehensive detail provide करेगा. ठीक है, तो answer here is Jayant Chaudhary. Jayant Chaudhary जी जो हैं, जो minister of state हैं आपके, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के. फाइन, अब जो सिद्ध पोर्टल है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फॉर यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर स्किल डेवलपमेंट थ्रू इट्स इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच. फाइन, अब जो पोर्टल है ये आपका क्रिएट किया गया है एंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड करने के लिए बेनिफिशरीज विद अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन द अवेलेबल स्कीम्स. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ NERAC ऐप एंड पोर्टल टू इंटीग्रेट फार्मर्स एंड सेलर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इस ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर करेंटली हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया. फाइन, अब NERAC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट. ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत इसका मेन एम क्या है कि हमें कनेक्ट करना है 50,000 फार्मर्स को और 5,000 बायर्स को आने वाले 5 सालों में. ठीक है, अब जो ये ऐप है आपकी NERAC ऐप, ये बेसिकली आप इट ऑपरेट्स एज अ यूनिक फार्म टू बिजनेस मार्केट प्लेस. ये फैसिलिटेट करेगा प्राइस नेगोशिएशन, बुकिंग्स, रियल टाइम प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी अक्रॉस ओवर 50 क्रॉप कैटेगरीज. और ये आपकी ये जो ऐप है ये आपकी सपोर्ट करती है इंग्लिश, हिंदी, असामी, मिजो, मणिपुर, नेपाली एंड खासी लैंग्वेजेस को. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया. द पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है ये आपका इंटीग्रेट किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ. ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है इसका मेन मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था विद ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे जो आपके चार धाम यात्रा के पिलग्रिम्स होंगे, ठीक है, उनके हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाए. उस वजह से इसको जो है लॉन्च किया था कौन सी गवर्नमेंट ने? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने. ठीक है, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होती है तो ऐसे याद रख सकते हो. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है. नाउ दिस पोर्टल हेल्प्स इन मॉनिटरिंग दी चारधाम यात्रा पिलग्रिम्स हेल्थ पैरामीटर्स फॉर स्मूथ जर्नी ऑफ अ पिलग्रिम्स विजिटिंग दी चारधाम विच इज यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ टुगेदर. फाइन, बाय यूजिंग दिस पोर्टल पिलग्रिम्स कैन क्रिएट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अ 14 डिजिट नंबर इन अ 1 to 2 minutes. तो ये याद रखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द प्रोटोकॉल दैट वॉज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू कैप्चर एवरी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर. तो इस पोर्टल का नाम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था, यू विन इसका नाम है. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. फाइन, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने लॉन्च किया था यूएन पोर्टल मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ अ रूटीन इम्यूनाइजेशन. ठीक है, अब यूएन प्रोग्राम जो आपका है इट हैज बीन डिजिग्नेटेड. ठीक है, इसे डिजिग्नेट किया गया है डिजिटाइज करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड इट इज प्रेजेंटली बींग रन इन अ पायलट मोड. ये आपके हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 2 districts में इनका पायलट रन किया जा रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका है कि
यूविन पोर्टल क्या कर सकता है, ठीक है। तो जो ये प्लेटफॉर्म है ये यूज किया जाएगा रजिस्टर करने के लिए और वैक्सीनेट करने के लिए एवरी प्रेग्नेंट वेमेन, ठीक है। सेकेंडली ये आपका रिकॉर्ड करेगा डिलीवरी ऑफ हर आउटकम, रजिस्टर करेगा एवरी न्यूबॉर्न डिलीवरी और एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है, बर्थ डोजेस एंड ऑल वैक्सीनेशन इवेंट्स को, ठीक है। अब जो यूवेन है ये आपका सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज फॉर द टारगेटेड पॉपुलेशन अंडर दिस यूआईपी प्रोग्राम, ठीक है। अब जो पोर्टल है ये मेंटेन करेगा लाइव अपडेटिंग वैक्सीनेशन स्टेटस की, डिलीवरी आउटकम्स एंड प्लानिंग ऑफ अ रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशंस, क्लियर है। अब बेनिफिट यहाँ पे क्या है यूएन पोर्टल का, ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर वैक्सीन एक्नॉलेजमेंट एंड इम्यूनाइजेशन कार्ड लिंक टू आभा आईडी विल बी जनरेटेड, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये आभा आईडी लिंक की जाएगी ये हेल्प करेगी ऑल द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टू एक्सेस अ कॉमन डेटाबेस टू ट्रैक एंड वैक्सीनेट बेनिफिशरीज, ठीक है, इसमें ट्रैकिंग जो है अच्छे से की जा सकेगी। नाउ नेक्स्ट है, थ्रू द प्लेटफॉर्म सिटीजन कैन चेक नियर बाय ऑनगोइंग रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन और ये अपना अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, फाइन, ठीक है। एंड द लास्ट इज दिस इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडिया, फाइन। Now next is, which ministry recently launched the Ideas for Life initiative to promote environmental sustainability? तो यहाँ पे Ideas for Life initiative launch किया गया था by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, answer is option number D. अब जो आपके इस ministry के minister हैं, Union Minister भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसको launch किया गया था IIT Delhi में, ठीक है, to invite innovative ideas promoting environmentally friendly lifestyle, ठीक है। अब जो पोर्टल है इसे डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द यूनिसेफ्स युवा फॉर सबमिटिंग मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग द इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। अब जो ये पोर्टल है ये कलेक्ट करेगा आइडियाज ऑन अ थीम्स जैसे सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, फाइन। Now this initiative is supported by the institutions जैसे UGC हो गया, UNICEF, All India Council for Technical Education, IITs, IIMs, ठीक है, ये सब इसे support कर रहे हैं इस initiative को, fine। Next है, name the portal that was recently in July launched by the Union Minister H.D. Kumaraswamy, Ministry of Steel for providing advanced information about steel import. तो इनमें से कौन सा portal है जो recently HD कुमार स्वामी जी ने लॉन्च किया है, तो इट वॉज लॉन्च बाय दी इट इज सिम्स 2.0 पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है सिम्स 2.0 विच इज स्टील इम्पोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे सेकेंड वॉल्यूम रिलीज किया था सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर आयरन एंड स्टील सेक्टर का, तो ये दोनों ही चीज यहाँ पे की गई थी। साथ में सिम्स पोर्टल की अगर हम बात करें तो इसे डेवलप किया गया है फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड DGFT, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एंड MSTC लिमिटेड, इन तीनों के कोलाब्रेशन से कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको डेवलप किया गया है। साथ में ही अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो टॉप पे आपका नाम आता है चाइना का एंड इट इज फॉलोड बाय द इंडिया, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ न्यू नोटेरी पोर्टल टू फैसिलिटेट्स एन ऑनलाइन इंटरफेस बिटवीन नोटेरीज एंड गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट सर्विसेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ मैनुअली होती थी, जो बेसिकली जैसे कोई एप्लीकेशन देना होता था वो आप वहाँ पे ऑफिस में जाके दे रहे हो, अब उसके बजाय यहाँ पे आप ऑनलाइन इस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट को आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हो, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोर्टल इस वजह से लॉन्च किया है, पर लॉन्च किसने किया है, इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा इसको लाया गया है। अब इस पोर्टल के थ्रू जो है आप यहाँ पे जैसे अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है, एज अ नोटेरी, देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है उसे इशू या रिन्यू कर सकते हो, ये सारे काम यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। साथ में ही अपनी एप्लीकेशन का कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या स्टेटस है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद दी NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, क्लियर है। नेक्स्ट इज, इन सितंबर 2024 द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च ₹10 crore एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस एंड एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल नेम्ड कृषि निवेश इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका
जो फंड लॉन्च किया गया है इसका अमाउंट कितना है, इट इज ₹750 करोड़। ठीक है, टोटल अमाउंट इसका आपका है 750 करोड़ का, जिसमें से कुछ हिस्सा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, दैट इज 250 करोड़, कुछ हिस्सा नबार्ड दे रही है, 250 करोड़ यहाँ पे नबार्ड देगा, एंड रेस्ट जो 250 करोड़ हैं ये आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टर से यहाँ पे 250 करोड़ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एग्रीशोर जो है ये आपका एक इनोवेटिव 750 करोड़ का कैपिटल फंड है, विच इज रजिस्टर्ड विद दी सेबीज कैटेगरी सेकेंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्लियर है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नबार्ड और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का रहेगा। फाइन, नाउ कृषि निवेश पोर्टल की अगर बात करें तो ये आपका एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग दी प्रोजेक्ट्स प्रपोजल, मेकिंग इट इजियर फॉर एग्री एंटरप्रेन्योर्स टू गेट द नेसेसरी अप्रूवल्स एंड फंडिंग। तो बेसिकली ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च द मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथन एंड नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल इन हैदराबाद तेलंगाना। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने इस हैकाथन को लॉन्च किया था और इस पोर्टल को लॉन्च किया था? इट इज डन बाय द जी किशन रेड्डी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के आपके मिनिस्टर हैं। ठीक है, जी किशन रेड्डी ने इसे आपका लॉन्च किया था। ठीक है, अब मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथन की बात करें तो इस हैकाथन का मेन फोकस था ऑन इनोवेटिव मिनरल हंट टेक्निक्स। बेसिकली जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाए, तो इस एम को लेकर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इस हैकाथन पे। साथ में ही नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है आपका डीएमएफ पोर्टल, इट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी बाय कंसोलिडेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अक्रॉस द कंट्री। एंड जो पोर्टल है इट सेंट्रलाइज द इन्फॉर्मेशन ऑफ 645 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अक्रॉस इंडिया। फाइन, नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी रिसेंटली इन जुलाई इनॉग्रेटेड द नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर NLFC, इन्होंने लॉन्च किया है एट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ना क्वेश्चन यहाँ पे है कि NLFC जो है इट विल बी ऑपरेशनलाइज द रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम नेशन वाइड बाय डैश। तो कब तक ये आपका ऑपरेशनलाइज होगा? ठीक है, तो 2030 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, अब NLFC किस लिए है? बेसिकली लैंडस्लाइड जो होंगी उसके लिए वार्निंग्स प्रोवाइड करने का ये काम करेगा। ठीक है, अर्ली वार्निंग, ताकि मेजर्स जल्दी लिए जा सके। फाइन, नाउ NLFC इशूड अर्ली वार्निंग बुलेटिन फॉर ऑल लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स। अब इन्होंने यहाँ पे भू संकट वेब पोर्टल लॉन्च किया है और भूस्खलन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है भू संकट मीन्स कि जब लैंडस्लाइड होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपको क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करेगा लैंडस्लाइड हैजार्ड से रिलेटेड। ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे ही ऐप में भी आपको मेजर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके बुलेटिन आपको मिलते रहेंगे। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1851। डायरेक्टर जनरल इसके हैं जनार्दन प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट इज डैश बिकेम द सेकेंड स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन OTT प्लेटफॉर्म टू प्रमोट लोकल फिल्म मेकर, म्यूजिशियन एंड कंटेंट क्रिएटर। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये सेकेंड स्टेट है? फर्स्ट जो स्टेट था आपका वो था केरला, जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ठीक है, अब सेकेंड स्टेट बना है हमारा मेघालय। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है हेलो मेघालय। क्या नाम है इसका? हेलो मेघालय। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फिल्म मेकर्स हैं उनको यहाँ पे पर फिल्म का 5 लाख रुपए दिया जाएगा विद एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर रीजनली और इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म्स। ठीक है, वेरस जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनको 18,000 पर मंथ मैक्सिमम अपलोड्स के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, एंड मोर फंड्स विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्यूज दे रिसीव। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव, जिसका नाम है विजो नेक्स्ट ट्रेंड इनसाइट फॉर फॉरकास्टिंग लैब। द विजो नेक्स्ट इज डेवलप्ड बाय डैश। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने विजो नेक्स्ट को डेवलप किया है, जो इंडिया का पहला फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव है?
ठीक है, तो इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है. फाइन, ये जो इनिशिएटिव है इसे एस्टैब्लिश किया गया था NIFT दिल्ली, NIFT चेन्नई द्वारा 2018 में विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. ठीक है, साथ में ही इन्होंने यहाँ पे बाइलिंगुअल जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है विजन एक्स नाम से, और इंडिया की पहली फर्स्ट एवर फैशन ट्रेंड बुक रिलीज की है जिसका नाम है परिधि 24/25. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी हैज लॉन्च अ सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस फॉर इन्वेस्टर. तो यहाँ पे जो है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप. ठीक है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंक्लूड किया गया है एंड हैज अ मॉड्यूल्स जो एक्सप्लेन करता है KYC, नो योर कस्टमर प्रोसीजर, फिर म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है. ठीक है, इसके साथ साथ इस ऐप में जो इन्वेस्टर है वो बाय और सेल कर सकता है शेयर को ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, साथ में ही इट हैज इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म. तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं सारथी 2.0 मोबाइल ऐप में. क्लियर है? किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 5th June 2024. तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है इसका हमने 2024 में 33rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है ऑन 5th of June. तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि STPI जो है एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1991 में, 5th June 1991 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, अब जो 30th फाउंडेशन डे था, इस इवेंट की आपकी थीम क्या थी? पोजिशनिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन. पोजिशनिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन. ठीक है, अब इस इवेंट के दौरान STPI ने दो वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किए हैं. ठीक है, एक का नाम है सयुज नेट और दूसरा है STPI वर्कप्लेस पोर्टल. ठीक है, क्या नाम है? STPI वर्कस्पेस पोर्टल. ठीक है, अब दोनों ही पोर्टल जो है इनका मेन एम क्या है? टू बॉल्स्टर द टेक स्टार्टअप नेटवर्क एंड ऑफर अफोर्डेबल इंक्यूबेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया. ठीक है, नाउ STPI की बात करें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो इसका डायरेक्टर जनरल है अरविंद कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1991 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया भी. ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है एक इनिशिएटिव अंडर द ब्रांड नेम अनंता टू डेवलप स्ट्रॉन्ग क्लाउड नेटवर्क मेड बाय द इंडियंस फॉर इंडियंस. ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये हमें ऑफर करेगा वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज GPU. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एडमिशन. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल ओपन किया है या लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था किस चीज के लिए? फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब जो पोर्टल था इसे लॉन्च किया था स्कूल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, जिनका नाम है ब्रत्या बासु. ठीक है, और जो ये पोर्टल है ये ऑफर करेगा एडमिशंस स्टूडेंट्स को ओवर 400 कॉलेजेस एंड 16 यूनिवर्सिटीज में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड द इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज AQAIMS, ऑन द ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो हमने ऑब्जर्व किया था 5th of June को. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने जो है इनॉग्रेट किया है AQAIMS को. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ अब इस मिनिस्ट्री के जो आपके सेक्रेटरी हैं, दैट इज एस कृष्णन, इन्होंने इसे लॉन्च किया था और साथ में इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी एयर प्रवा. ठीक है, फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग, AQI को मॉनिटर करने के लिए. ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें जो है, दैट इज एक तो हो गया आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, AQAIMS, और दूसरा आपका एयर प्रवाह ऐप, इन दोनों को ही डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज ने. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इन सिस्टम्स को डेवलप किसने किया है? कोलकाता बेस्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC in partnership with the technology innovation in exploration and mining, that is TechSimin, Indian School of Mines ISM Dhanbad Jharkhand, JM
एनवायरो लैब प्राइवेट लिमिटेड, तो इन सब के पार्टनरशिप से इसे जो है डेवलप किया गया है अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इन जून इंटीग्रेटेड विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दैट इज IRCTC टू इनेबल एम्बेडेड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट दैट इज GPA पॉलिसीज टू बी ऑफर्ड अलॉन्ग साइड ई टिकट परचेजेस थ्रू इंसिलियन API प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली देखो, जब भी आपने IRCTC की जो बेसिकली जो आपने टिकट बुक किया होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि आप इसे अगर आप क्लिक करते हो तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है वो हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना होता है और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इन केस जैसे खुदा ना खास कभी ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, ABC पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे उसकी फैमिली को जो है ये पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ठीक है, IRCTC के साथ मिलके, तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्या एक यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा है इंसिलियन API प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इसी के थ्रू यहाँ पे ये परचेज किया जा रहा है। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये आपकी न्यूयॉर्क फॉर्म है, न्यूयॉर्क बेस्ड फॉर्म है, जो यहाँ पे जो आपके मल्टी प्लेटफॉर्म है, जैसे जो इनकी IRCTC की जो इनकी वेबसाइट हो गई या इनकी ऐप हो गई, इनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये वाली सर्विसेज हमें हर जगह प्रोवाइड करनी है तो ये लिंक्ड होने चाहिए। ठीक है, इनकी वेबसाइट, इनके ऐप्स या अदर कोई प्लेटफॉर्म अगर है तो उन सबको ये क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक किया जा रहा है API के थ्रू। API क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसके द्वारा आपका इनसिलियन जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस जो है इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसके करंट चेयरमैन है SVG। ठीक है, IRCTC की बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CMD है संजय कुमार। ओके, नेक्स्ट इज विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने स्मार्ट वेल्थ जो है डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि आपकी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज किया जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, HDFC बैंक है और इन्होंने यहाँ पे HDFC स्मार्ट वेल्थ जो है इसे लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म की मदद से यहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, बैंक डिपॉजिट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स आप ले सकते हो, तो इस टाइप के यहाँ पे चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी, करंट MD & CEO है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपको मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट्स टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ बैंक क्लिनिक एंड एक्सक्लूसिव वेबसाइट इन मुंबई महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैंक क्लिनिक वेबसाइट लॉन्च की थी? तो आंसर आपका है इट वॉज लॉन्च बाय द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ठीक है, इसे लॉन्च किया था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने। अब जो वेबसाइट है ये बेसिकली एक कंप्लेंट रीएड्रेसल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो रिटेल कस्टमर है ये अपने ये बेसिकली जो रिटेल कस्टमर होंगे उनको गाइड करेगी इनके राइट्स से, बेसिकली इनके राइट्स से अवगत करवाएगी इनको। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड गाइडेंस ऑन द पॉलिसीज गवर्निंग सर्विसेज। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं दे कैन रजिस्टर कंप्लेन एंड विद इन 5 days दे विल रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑन अ रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो बेसिकली ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी उसके लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।